हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्य चौहान और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने इस टाइप का कंपोनेंट जो हर एक ऑडियो यानी कि टेप रिकॉर्डर है या म्यूजिक प्लेयर है उसके अंदर आपने इस टाइप का कोई डिवाइस देखा होगा, तो आपके भी मन में सवाल होता होगा कि ये जो डिवाइस है वो क्या है और इसका यूज़ क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि ये इसको क्या बोलते हैं और इसका यूज़ क्या है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो ये जो डिवाइस है उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये जो है वो एक टाइप का रजिस्टर ही है। जी हाँ, ये जो है वो रजिस्टर है, पर इसके अंदर क्या होता है कि जो हम लोग इसकी वैल्यू हमारी इच्छा के मुजब इससे चेंज करवा सकते हैं, ये जो नॉब है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के। तो इसके अंदर तीन पॉइंट दिए होते हैं, जिसमें से जो ये दो पॉइंट है वो फिक्स रहते हैं और जो बीच वाला है वो वेरिएबल के लिए रहता है। यानी कि जैसे मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो उसके हिसाब से ये जो है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये वैल्यू चेंज कैसे होता है। मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ और मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे जो ओहम है वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी ये जो मेरे पास पोटेंशियोमीटर है इसकी जो वैल्यू है वो 10K है, यानी इसकी वैल्यू मैं 0 से लेके 10 किलो ओहम तक चेंज कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा मल्टीमीटर है उसका नॉब 20K जो है उसके ऊपर रख देंगे, और मैं पहले आपको ये फिक्स जो उसका रजिस्टर है वो चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे इसका जो मल्टीमीटर का टर्मिनल है उसको पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पे मुझे मल्टीमीटर के अंदर फिक्स वैल्यू दिखाई दे रहा है। अभी ये हमारा जो है वो 10 किलो ओम का है तो हमें वैल्यू दिखाई दे रहा है 10.25, यानी अभी ये फिक्स 0 से लेके 10.25 तक आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी आपको वेरिएबल करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों साइड एक एक वायर लगा देंगे और फिर मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ये पहला वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे और जो बीच वाला टर्मिनल जो है हमारा वेरिएबल वहाँ पे दो वायर कनेक्ट कर दिए है, और वही दोनों वायर को मल्टीमीटर के जो टर्मिनल है वहाँ पर कनेक्ट कर दिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मल्टीमीटर की वैल्यू 0 ही दिखा दे रहा है क्योंकि ये अभी फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज में है। अभी मैं धीरे धीरे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज में घुमाता हूँ इसका जो रजिस्टर है उसकी भी वैल्यू हमें चेंज होती होती दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो मल्टीमीटर की डिस्प्ले है उसमें वैल्यू चेंज होती दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं इसको फुल्ली क्लॉकवाइज यहाँ पे घुमा देता हूँ तो ये अपना मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया है और हमारी जो मल्टीमीटर के अंदर जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यानी आप इसके अंदर 0 से लेके 10.20 किलो ओम तक की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको डिक्रीज करना चाहता हूँ तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, देख सकते हो आप यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर। जैसे मैं इसको फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज में कर देता हूँ तो मल्टीमीटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। पर यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज में घुमाता हूँ तो रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज होती है और एंटी क्लॉकवाइज में इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। पर अगर कई ऐसी जगह है कि जहाँ पर मुझे रजिस्टर की वैल्यू इससे उल्टा चाहिए, यानी कि जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊँ तो मेरा रजिस्टर है वो डाउन होना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज में यानी कि रिवर्स में घुमाऊँ तो मेरा रजिस्टर की वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए, ऐसा करना है तो इसके लिए एकदम सिंपल सा है। आपको ये जो पहला वायर है यहाँ पे जो हमने लगाया है उसकी जगह ये लास्ट वायर के अंदर लगा दें। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करके लास्ट वाले जो टर्मिनल है वहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाले टर्मिनल में लगा दिया है, देख सकते हो आप। अभी देखिए ये अभी फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज में 0 पोजीशन पे है तो मेरी जो रजिस्टर की वैल्यू है वो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। अभी जैसे जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो मेरी रजिस्टर की वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए जैसे इसको फुल्ली क्लॉकवाइज में मैं घुमा दूंगा तो मेरी रजिस्टर की वैल्यू
सबसे जो कम रहेगी वो अभी दिखाई दे रहा है। अभी जैसे जैसे मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो रजिस्टर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप मल्टीमीटर की डिस्प्ले के अंदर देख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों पोटेंशियोमीटर जो है, जो वेरिएबल रजिस्टर है, वो काम करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा कि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, और आप अभी कहीं पर भी आपको कोई भी अगर पूछे तो ये क्या है तो आप उसको जवाब दे सकोगे। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आप इंस्टाग्राम की लिंक भी देख सकते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।